ये नहीं होता तो ठीक रहता है, ये होता है तो बहुत एहतियात से फिर बोलना पड़ता है। तो बहरहाल आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में बस ये थोड़ी देर के लिए आया हूँ, और आपके और तबर्रुक के बीच का मैं हायल नहीं बनना चाहता। थोड़ी सी बातें आपके सामने, तो सबसे पहले तो दुआ ये है कि अल्लाह इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल की तौफीक अता करे। ऐ रसूल, आप नज़ीर हैं, आप इंतज़ार करने वाले हैं, और हर कौम के लिए हिदायत करने वाला है। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी, और इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में भी तकरीबन आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कैद खाने में गुजरा ही आप सब जानते हैं। लेकिन जहाँ पर एक मुसीबत का दौर है, वहाँ पर आपकी एक जिम्मेदारी है, और जिंदान हो या जिंदान के बाहर, आपने जो पैगाम इलाही था उसको पहुँचाने में आपने कोई कमी नहीं की। जश्न मनाना अइम्मा अलैहिस्सलाम की विरासत के ऊपर, या गम मनाना उनकी शहादत के ऊपर, ये मोहब्बत का तकाजा होना चाहिए। लेकिन इस तकाजे से ऊपर भी एक तकाजा ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें पेश आई, वो हमारी ज़िंदगी में हैं कि नहीं। बस थोड़ी सी बात आपके सामने, और आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की जैसे आपकी ज़िंदगी है, वैसे ही आपके असहाब हैं। असहाब इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन कमालात के मालिक, बेहतरीन वैल्यूज उनके अंदर पाई जाती हैं, और हमें यह सबक मिलता है कि सहाबियत क्या है, मोहब्बत क्या है, और दावाई मोहब्बत क्या है। वो दावा जो अमल की मेदार के ऊपर खरा न उतरे, उस दावे की कोई हैसियत नहीं है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने एक चीज की दावत हमेशा दिया है कि दावा करो या न करो, लेकिन तुम्हारे किरदार के अंदर हम अगर मौजूद हैं तो तुम कामयाब हो। दावों से उनसे और बहुत से वाकयात हैं माले मुसलमान ने, इस तरफ का ये दावा मत करो, वो चाहे वो छठे इमाम का हारून मक्की का वाकया हो या कोई भी वाकया हो, आप देख लीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसे दावे मत करो जिसको तुम पूरा न कर सकते हो। दो सहाबी, देखिए दौलत के लिए इंसान किसी भी वैल्यू को छोड़ दे, ये आम बात है, लेकिन अकदार इलाही की खातिर, खुदा के खातिर इंसान दुनिया को छोड़ दे, बड़ी बात है। सफवान जम्माल इमाम के अजीम सहाबी, नाम उनका सफवान है, और काम करते हैं ऊंटों का, जैसे आज के जमाने में टैक्सियां चलती हैं, उस जमाने में ऊंट चलते थे, बहुत बड़ी इनकी इंडस्ट्री थी, और हाजियों को भेजना ये करना। देखिए एक चीज जरूरी है, वो ये जानना, सिर्फ अमल अच्छा हो ये काफी नहीं है। कभी कभी हम इस धोखे में आ जाते हैं कि ये जो हमारा अमल है ये तो अच्छा है, ये सारी चीजें नहीं नहीं इब्तिदा और इंतहा दोनों को अच्छा होना चाहिए। अगर दोनों चीजें अच्छी नहीं हैं तो फिर हमें गौर करना चाहिए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हारून रशीद को ये अपने ऊंट देते हैं हमेशा। मासूमीन अली मुस्लिम, ये सहाबियों का जिक्र है, उनके दास्ताने हैं, इससे हमें क्या सबक मिलता है? एक बेहतरीन पूरे एरिए के सबसे बड़े ऊंटों के मालिक जनाबे सफवान जमाल, जमल की वजह से इनको कहा जाता है, ऊंटों की वजह से। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि तुम हारून को अपने ऊंट देते हो, का मौला मेरा तो पेशा ही यही है। और देखिए फौरन इमाम से उन्होंने पेश किया, मौला ऊंट देता तो हूं हारून को, आम काम के लिए नहीं देता, बल्कि हज के लिए देता। इमाम ने कहा ऐसा मत करो। अच्छा, ये वो असहाब हैं जो इमाम की बात पर लब्बैक कहने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी कभी कन्वर्सेशन जो हमारे सामने पेश की गई हैं उसमें हमारे लिए एक सीख है। मौला मैं ऊंट देता हूं मगर जालिम से मेरा कोई राबता नहीं है, उसको ऊंट मत दो क्योंकि तुम उसके जीने की तमन्ना करते हो। कहा नहीं मौला, मेरे ऐसी कोई इंटेंशन है ही नहीं, मैं उसके जीने की कोई तमन्ना नहीं करता। कहा ठीक है, तुम जीने की तमन्ना नहीं करते
मगर जो ऊंट तुम देते हो उनकी भरपाई और उनके किराए की तवक्को तो रखते हो। जब ये हारून का लश्कर, हारून का कारवां मक्के जाता है तो तुम्हारे दिल में ये रहता है ये हज से जल्दी वापस आए ताकि तुम्हारे किराए को वापस करे। का अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है कि इतने लम्हे के लिए भी अपने ही मकसद के खातिर किसी जालिम के जीने की तमन्ना तुम्हारे अंदर हो। इसलिए कि जो तुम जाओगे वहां से ऊंट आएगा तो ऊंट के साथ हारून आएगा। इमाम बताना क्या चाहते हैं, तन्हा अपने किरदार से नहीं बल्कि इंसान के हर जिंदगी का हिस्सा ऐसा हो जहां पर जुल्म से बेजारी करे और जालिम के खिलाफ कयाम करे। दुनिया की खातिर सब कुछ छोड़ देना आसान है लेकिन खुदा की खातिर दुनिया को छोड़ना आसान नहीं है। जिसका सारा कारोबार ऊंट का था, इमाम की इतनी बात की वजह से सफवान ने अपने सारे ऊंट बेच दिए। इसलिए कि अगर ऊंट रहेगा तो हारून मांगेगा और मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा। सफवान ने यह बताया कि सिर्फ शियत का दावा ही अहम नहीं है बल्कि किरदार को किरदार से मिलाकर देखो। और जब इंसान इस मरहले पर आता है तो फिर उसके पास पता चलता है कि ये कौन सी चीजें। आज हमारे यहां दुनिया का हर झूठ बोलना, दुनिया का हर फरेब करना आम बात है, वो आम इंसान हो या लिबास वाले हो। अमामा बकबा भी एक से एक दुनिया में मिल जाते हैं, एक से एक आफत मचाए हुए ये लोग भी हैं, बहस उसकी नहीं है। इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस चीज को पेश किया, किरदार का लिबास देखना है, जाहिरी लिबास को नहीं देखना है। दुनिया की खातिर बड़ी बड़ी चीजों को लोगों ने छोड़ दिया है। बहलोल जो अपने जमाने के अजीम तरीन हारून के रिश्तेदार भी हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है, हारून के रिश्तेदार, जहां पर अपने किरदार एक हर्फ जीम मौला ने लिखा था, एक हर्फ जीम अपने आप को दीवाना बना दिया। एक बात मैं आपको, दीवाने थे नहीं, जिसकी शहर में इज्जत हो वो शहर में पागल बन जाए, ये जिहाद बिन नफ्स है। अभी कोई मुझसे ये कहे कि मौलाना साहब ये शॉर्ट्स पहन के आप सड़क पे घूम के आ जाइए, नामुमकिन है। और अगर कोई जबरदस्ती ये काम करवा दे तो मेरे जीने मरने के लिए काफी है। इसलिए कि हर काम हर इंसान से नहीं हो सकता है। बहलोल इतना बेहतरीन मुनाजिर अबू हनीफा के सामने, अबू हनीफा अपने बच्चों को दर्श दे रहे हैं, देखिए अली का चाहने वाला वो है जो किसी भी मोड़ पर अली की तौहीन न होने दे। अली का चाहने वाला वो है जो अपने किरदार और अपने अखलाक के जरिए से अली के किरदार को दुनिया के सामने पेश करे। तीन चीजें उनको समझ में नहीं आई इमाम की, छठे इमाम की। इमाम के शागिर्द भी हैं अबू हनीफा, जो आलम इस्लाम के इमाम आजम कहे जाते हैं। और तीन चीजें इमाम की उनको समझ में नहीं आई। पहली चीज क्या, अल्लाह ने हर फेल की निस्बत अपनी तरफ दी है। अल्लाह जो भी इंसान कर रहा है, कुरान में बहुत सी आयात हैं जो अल्लाह ने अपनी तरफ फेल की निस्बत दी है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इंसान उस काम को अंजाम देता है। ये मकतबे अशअरी जो नजरिया चला कि इंसान कुछ काम अंजाम नहीं देता बल्कि इंसान मजबूर है, जो कुछ काम अंजाम देता है वो खुदा अंजाम देता है। तो इमाम की ये बात पसंद हमको नहीं आई, इंसान मुख्तार नहीं है बल्कि इंसान मजबूर है, जो कुछ काम करवा रहा है वो खुदा। दूसरी चीज इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम, कि शैतान को जहन्नम जलाएगी। शैतान तो आग से बना है, आग को आग कैसे जलाएगी? आग को आग, आग लकड़ी को जलाती है ना, आग आग को कैसे जलाएगी? ये भी इमाम की मुझे बात समझ में नहीं आती। तीसरी चीज कहते हैं कि अल्लाह कयामत में भी नजर नहीं आएगा। अल्लाह तो है और कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह कयामत में नजर आएगा। अभी भी अहले सुन्नत का नजरिया है कयामत के दिन अल्लाह उनको दिखेगा। तो जो चीज है वो दिखनी चाहिए, जब अल्लाह है तो वो दिखना चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुछ ऐसे सहाबी थे कि जिन्होंने मासूम तक बात पहुंचने ही नहीं दी, खुद ही मसला हल कर दिया। ये सब फकीह थे, दुनिया इनको दीवाना समझ रही थी मगर ये अहले बैत की नजर में दाना थे, दीवाने। जब अहले बैत के दरवाजे के दीवानों का ये आलम है तो फिर जो अहले बैत के दाना होंगे उनका मेयार क्या होगा? फौरन
ये बात उठाया उन्होंने एक पत्थर और दे मारा अबू हनीफा को। अब उनके शागिर्दों ने पकड़ लिया कि तुमने मारा, कहा कि लेके पहुंच गए हारून के पास। हारून का चूंकि रिश्तेदार है, जनाब पहले का तुम्हारे रिश्तेदार ने काम किया, इस पागल को नौजबिल्ला पकड़ कर रखो, ये तो मारता फिरता है। उन्होंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं, अजीब तुम झूठ बोल रहे हो, अभी तुम मार के आए हो और कह रहे हो कि हमने कुछ किया ही नहीं है। कहा तुम्हें जो कह रहे हो, बंदा तो कुछ नहीं करता, जो करता है अल्लाह करता है, आप मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो, मैंने तुमको नहीं मारा, अल्लाह ने मारा। क्योंकि तुम्हारा नजरिया यह है कि इंसान मजबूर है, जो करता है वो अल्लाह करता है। नहीं, दर्द हो रही है, तुम फालतू की बात कर रहे हो, अभी हंसी मजाक का टाइम है, कहा दर्द कहां है दिखाओ जरा सा। कहा ये कौन सी बात, कहा अभी तो तुमने कहा है जब खुदा है तो दिखना चाहिए, तो दर्द है तो दिखाओ, जब दर्द तुम्हारे अंदर है तो वो दिखाओ। और उसके बड़ी बात ये है, अभी एक बड़ा एतराज तुम्हारा ये है कि शैतान आग से बना है, आग आग को जला नहीं सकती, तो तुम भी तो मिट्टी के बने हो, तो मिट्टी को मिट्टी नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। बहलोल ने ये बताया और इस चीज को पेश किया, अली का चाहने वाला सिर्फ दिल का ही मजबूत नहीं, दिमाग का भी मजबूत होता है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीम तरबियत है सहाबियों की, अजीम तरबियत है। जालिम इमाम की तौहीन करना चाहता है और इमाम वो है जिनके एहतराम की गवाही और कसमें खुदा ने खाई हुई है। जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। इमाम को बुलाया और बहरहाल अय्याम अजाबी हैं तो उसका भी लिहाज रखते हुए उन तमाम चीजों को आपके सामने पेश करते हुए इमाम को बुलाया। जालिम ये चाहता है कि तौहीन करे, और लेकिन जिसको अल्लाह ने इतना अख्तियार दिया हो कि वो चाहे तो पूरी कायनात को अपने पैरों में झुका दे, मकाम कुन को पेश करना इमाम का काम है। अल्लाह ने विलायत इनको अता किया है। ये तो इनका सब्र था जिन्होंने अपने अख्तियार को पेश नहीं किया, वरना ये चाहते तो कोई इनको एक लम्हे के लिए इनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता था, लेकिन इस चीज को पेश किया कि अख्तियार के बावजूद भी कभी खुदा के अम्र के सामने तस्लीम हो जाना, यही विलायत का माना है, यही विलायत का मियार है। बुलाया इमाम काजिम अलैहिस्सलाम को दरबार हारून रशीद में। तौहीन क्या करना है, जादूगर बुलाए गए, इमाम को खाने पर इन्वाइट किया, खाने पर बैठे। वो भी ये देखना चाहता था कि इनके पास कमाल क्या है। जर्रे जर्रे पर जिसका अख्तियार हो उसे विलायत कहते हैं। जर्रे जर्रे पर जो जर्रा जर्रा जिसकी ताबे हो उसे अख्तियार इलाही कहते हैं। दस्तरखान पर बैठ गए, अब इमाम को खाने के लिए बिस्मिल्लाह करिए। इमाम जब रोटी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जादूगर रोटी को उड़ा दे रहे हैं। हाथ बढ़ाया, रोटी उड़ा दी। अब यहां पर दिखाना है मूसा का जलवा, दिखाना है मूसा काजिम को, मूसा नबी का जलवा दिखाना है। हाथ बढ़ाते हैं, रोटी उड़ जा रही है। वो ये सोच रहा था कि तौहीन कर देंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिन्होंने अल्लाह की मर्जी का सौदा किया हो उन्हें दुनिया का कोई इंसान जलील नहीं कर सकता है। कालीन बिछा हुआ है, कालीन पर एक शेर बना हुआ है। इमाम ने शेर की तरफ हुक्म दिया, उठ और इनको खा ले। शेर कालीन मुजस्सम हुआ और उठने के बाद उसने जादूगरों को खा लिया। जैसे ही खाया, वक्त का फिरौन इमाम के कदमों में गिर गया। बस यही पर इमाम ने कमाल किया, वक्त का फिरौन इमाम के कदमों में गिर गया। मौला खता माफ हो, इस शेर से कहिए कि फिर से ये कालीन का हिस्सा बन जाए। इमाम ने हुक्म दिया, वो शेर कालीन का हिस्सा बना। एक जुमला हारून कहता है, मौला एक और हुक्म दे दीजिए, जिन जादूगरों को इसने खाया है उन्हें भी वापस कर दे,
फौरन कुरान की उन आयात और उन मौजदात को इमाम ने पेश किया और आवाज दी, अगर मूसा के अजदहा ने उन जादूगरों की रस्सियों को वापस कर दिया होता तो मैं इन जादूगरों को भी वापस कर देता। मतलब यहां पर यह पेश किया गया, हम किसी के सामने खड़े होते नहीं, हम किसी को तबाह करते नहीं, लेकिन जब हम किसी को तबाह कर दें तो वो आबाद नहीं हो सकता। इमाम की ये जिंदगी, और फिर जाकर हमें ये सबक मिलता है इमाम काजिम की जिंदगी क्या है, कमाल का अख्तियार, कमाल की करामतें, कमाल का एजाज, उसके बावजूद आपका लकब काजिम रखा गया, यानी गुस्से को पी जाने वाला। इमाम इस चीज को पेश कर रहे हैं, अगर एक अच्छे समाज को बनाना है और एक अच्छे समाज की स्थापना करनी है, मेरी बात खत्म हो गई, क्योंकि बहरहाल ये जो चीजें रख दी जाती हैं सवाबन है, और मैं सवाब ही की खातिर सवाबन ही बात करूंगा, ज्यादा वक्त न लेते हुए बस ये दुआ है कि परवरदिगार हम सबको इमाम काजिम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक दे, हम सबको इमाम काजिम अलैहिस्सलाम की मारिफत की तौफीक दे, परवरदिगार हम सबको दामन अहले बैत से वाबस्ता फरमा, हम सबको ज्यादा से ज्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत अता फरमा, परवरदिगार हम सबको किरदार अहले बैत को पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, परवरदिगार रोज़े जुमा है, आज फिर नमाज हमारे इमाम के बगैर हो गई, इंशाअल्लाह परवरदिगार हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा, परवरदिगार हम सबको अपने आका के गुलाम और नौकरों में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात को इसाल करवा दूँ।